जी, तो सबसे पहले कंट्रोल जे से इसकी कॉपी बना देंगे, उसके बाद हम जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर से हम जाएंगे न्यूट्रल फिल्टर में। तो ये पैनल हमारे पास यहाँ पर खुल जाएगा, यहाँ पर इसको हम कलराइज को ऑन कर देंगे और यहाँ पर आउटपुट एज न्यू कलर लेयर कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये जो इमेज है हमारे पास कलराइज हो जाएगी।